अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के साथ आए ये नेता कितना कमाल दिखाते हैं। अमेठी की सपा विधायक महाराजी देवी भी बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगती नजर आई। कल देखना ये है कि जो बागी नेता इधर उधर हुए हैं, इसका असर क्या बीजेपी की जीत पर कल पड़ता हुआ नजर आएगा। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी रही। 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे देश की सत्ता का फैसला करेंगे, लेकिन साथ ही दल बदलू नेताओं के सियासी कद को भी तय करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में दूसरे दलों के तमाम दिग्गज नेताओं ने सियासी पाला बदला था, जिसमें कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो सपा के बागी विधायक बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। अब ऐसे में देखना है कि दल बदल करने वाले और सपा के बागी नेता अपने अपने गढ़ में बीजेपी के लिए सियासी तौर पर कितने मददगार साबित हुए हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। इसके अलावा सपा की विधायक महाराजी देवी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। सपा के इन विधायकों ने सिर्फ राज्यसभा चुनाव में ही बीजेपी का साथ नहीं दिया, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का भी काम किया है और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंच भी शेयर किया। वहीं कांग्रेस से आरपीएन सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा, जबकि जितिन प्रसाद को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। पूर्व MLC यशवंत की बीजेपी ने घर वापसी कराई तो बाहुबली धनंजय सिंह को भी समर्थन जुटाया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच सपा से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले RLD प्रमुख जयंत चौधरी से लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये नतीजे किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के साथ आए ये नेता कितना कमाल दिखाते हैं। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह उनका सियासी आधार रायबरेली के साथ साथ अमेठी सीट के ब्राह्मण मतदाताओं पर है। लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे ने खुलकर दोनों ही सीटों पर बीजेपी का प्रचार किया। अमित शाह के साथ उन्होंने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। रायबरेली और अमेठी सीट को मजबूत बनाने की बीजेपी की रणनीति कितनी सफल रही, ये दोनों सीटों के परिणाम साफ कर देंगे। राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से तीसरी बार सपा के विधायक हैं। गौरीगंज क्षेत्र के ठाकुर मतदाताओं के बीच राकेश प्रताप सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए राकेश प्रताप सिंह ने जमकर प्रचार किया था। अमित शाह के साथ रैली और रोड शो में भी शिरकत की। अमेठी की सपा विधायक महाराजी देवी भी बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगती नजर आई थी। अब अमेठी सीट पर बीजेपी के लिए सपा के बागी विधायक महाराजी देवी और राकेश प्रताप सिंह कितने मददगार साबित हुए, ये नतीजे से साफ हो जाएगा। राकेश पांडे अम्बेडकर नगर की जलालाबाद सीट से विधायक है। अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक है। बीजेपी ने राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया। अभय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। राकेश की ब्राह्मण समुदाय में तो अभय सिंह की ठाकुरों में पकड़ मानी जाती है। सपा के दोनों बागी विधायक अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आते हैं। जातीय समीकरण के तहत ये सीट बीजेपी के लिए मुफीद नहीं मानी जाती, जिसके चलते पार्टी ने सपा के दोनों बागी विधायकों को अपने साथ मिलाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि दोनों विधायकों के साथ आने का बीजेपी को कितना सियासी लाभ मिला है। वहीं विनोद चतुर्वेदी कालपी विधानसभा सीट से सपा विधायक है तो पूजा पाल कौशाम्बी की चायल से विधायक है। आशुतोष मौर्य बदायूं की बिसौली सीट से विधायक है। तीनों ही नेताओं को अपनी अपनी लोकसभा सीटों पर सियासी आधार है। पूजा पाल की सियासी पकड़ कौशाम्बी और प्रयागराज दोनों सीटों पर पाल समुदाय के बीच है। सपा के तीनों बागी विधायक अपने अपने इलाके में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए खुलकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में देखना है कि तीनों ही नेता बीजेपी के लिए सियासी तौर पर कितने मुफीद साबित होते हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले कुशीनगर के पूर्व सांसद RPN सिंह को पार्टी में शामिल कर राज्यसभा सांसद बनाया गया। कुशीनगर ही नहीं, पूर्वांचल के तमाम जिलों में सेंधवार समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कुशीनगर सीट पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखना है कि कुशीनगर में बीजेपी के लिए किस तरह ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, क्योंकि कुशीनगर सीट पर सपा ने सेंधवार समुदाय के प्रत्याशी को उतारा था। इसी तरह आजमगढ़, बलिया, आसपास के क्षेत्रों में ठाकुर समुदाय के मतदाताओं में असर रखने वाले पूर्व MLC यशवंत सिंह की पिछले महीने ही बीजेपी में वापसी कराई गई। उन्हें साल 2022 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। इनके आने से भाजपा को कितना फायदा हुआ, ये भी चुनाव नतीजे से साफ होगा। मुलायम सिंह के करीबी रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रिज किशोर सिंह को चुनावी फायदे के लिहाज से बीजेपी में शामिल कराया गया था।
बस्ती लोकसभा सीट पर राजकिशोर सिंह की मजबूत पकड़ ठाकुर नेताओं के बीच मानी जाती है। अब ऐसे भी देखना है कि बस्ती सीट पर कितने मुफीद वो साबित हुए हैं। जौनपुर से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह को भले ही बीजेपी ने पार्टी में शामिल ना कराया हो, लेकिन उनका समर्थन जुटाने में कामयाब रहे। धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर सीट से चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। धनंजय सिंह के जरिए बीजेपी ने जौनपुर और मछली शहर सीट के सियासी समीकरण को साधने की कवायद की है, लेकिन चुनाव में कितने काम कर रहे हैं ये नतीजे से पता चलेगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को पहले योगी सरकार में मंत्री बनाया गया और लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से उतारा गया है। जितिन प्रसाद का सियासी असर शाहजहांपुर से लेकर दौरहरा सीट तक है। अब ऐसे में देखना है कि वो ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लामबद्ध करने में कितनी मददगार रहे हैं। देखिए, यूपी में सपा के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली आरएलडी और सुभाषपा ने 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरा। आरएलडी का सियासी आधार पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय के बीच है, तो सुभाषपा की पकड़ पूर्वांचल के राजभर समुदाय के बीच है। बीजेपी ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया तो योगी कैबिनेट में आरएलडी कोटे से एक मंत्री और एक एमएलसी का पद दिया। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया तो उनकी पार्टी को एक एमएलसी और चुनाव लड़ने के लिए एक लोकसभा की सीट दी गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे से दोनों दलों का सियासी कद तो तय होगा। बीजेपी के लिए अगर ये गठबंधन मुफीद साबित होते हैं तो राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी नहीं तो घटेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। अब कल देखना ये है कि जो बागी नेता इधर उधर हुए हैं इसका असर क्या बीजेपी की जीत पर कल पड़ता हुआ नजर आएगा। एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।